नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक अयोध्या में कार्यक्रम होना है। इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यापक तैयारियां की है। मालवा प्रांत में सेवा भारती द्वारा मेरी बस्ती मेरी अयोध्या अभियान के तहत बस्तियों को राममय करने की योजना है। संघ ने प्रांत के 12,000 गांव और 8,000 मोहल्लों पर फोकस करने की तैयारी की है। इसे 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जाने लग गया है। वहीं बता देते हैं कि संघ की क्या तैयारी है और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर क्या आग्रह लोगों से किया जाना है। 22 जनवरी को मंदिर में एकत्रीकरण होगा, घरों में दिवाली जैसा वातावरण बनेगा, सजावट होगी, विजय मंत्र के जाप के साथ हनुमान चालीसा पाठ और जगह जगह लाइव टेलीकास्ट हो ऐसी कोशिश रहेगी। प्रांत में 12,000 गांव और 8,000 मोहल्ले हैं। हजारों टोलियां घर घर संपर्क करेंगी। 2,000 से ज्यादा समदयानी कार्यकर्ता 10 दिन के लिए अपने घर से दूर गांव मोहल्लों में रहकर इस अभियान की टोलियों का गठन करेंगे। हर तहसील में सामाजिक सद्भाव बैठक होंगी। वहीं प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन दिवाली मनाई जाएगी। हर घर पर भगवा हर मुख से राम धुन का नारा दिया जा रहा है। मालवा प्रांत से लगभग 100 से अधिक संत अयोध्या में होने वाले आयोजन में शामिल होंगे। वहीं आपको बताते चले कि लोगों से अपील की गई है कि घर में कम से कम 5 दीपक जलाएं। वहीं बताया जाता है कि 7 जनवरी को साध्वी ऋतुम्भरा इंदौर आएंगी और चिमन बाग में सेवा भारती के बैनर तले सेवा कार्यों की शुरुआत होगी, जिसके तहत मेरी बस्ती मेरी अयोध्या अभियान शुरू होगा। इसमें शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी सेवा कार्यों की शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बस्तियों में सीधा संपर्क इस अभियान के जरिए हो जाएगा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ में आने वाली विधानसभा की कई बस्तियों के वोट बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं। इंदौर 3 में बीजेपी उम्मीदवार की जीत की राह भी इसी से आसान हुई। इंदौर 5 में भी ये ट्रेंड देखने को मिला। ऐसे में संघ ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को पब्लिक कनेक्ट में तब्दील करने की तैयारी की है।